अस्सलामुअलैकुम, द लाहौर गैरीज़न स्कूल अहमद कैंपस, लेक्चर ऑफ साइंस फॉर क्लास 3, यूनिट नंबर 2, द एनिमल वर्ल्ड। एज वी हैव कम्प्लीट अवर फर्स्ट चैप्टर, नाउ मूव टूवर्ड्स द सेकेंड चैप्टर। द चैप्टर नेम इज़ द एनिमल वर्ल्ड। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द वर्ड्स मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज जूलॉजी। द मीनिंग ऑफ जूलॉजी इज स्टडी ऑफ एनिमल्स। जूलॉजी क्या होती है? दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। जूलॉजी में क्या होता है, हम ओनली एनिमल्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर, फंक्शंस, ठीक है, उन सब के बारे में स्टडी करते हैं। जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स। एडल्ट, व्हाट डज एडल्ट मीन? एडल्ट मीनिंग्स अ फुली ग्रोन। एडल्ट अ फुली ग्रोन। अब एडल्ट क्या होता है? फुली ग्रोन पर्सन और एनिमल दैट हैज़ ग्रोन टू फुल साइज एंड स्ट्रेंथ। कोई भी ऐसा पर्सन हो और एनिमल्स हो जो कि फुल ग्रो कर चुका हो, दैट इज एडल्ट। एडल्ट क्या है? अ फुली ग्रोन। लॉगिन स्टार्ट, बिगन। लॉगिन स्टार्ट, एल ओ जी आई एन, लॉगिन स्टार्ट, एस टी ए आर टी स्टार्ट। सिमिलर अलाइक, एस आई एम आई एल ए आर, सिमिलर अलाइक। सिमिलर होता है एक जैसा, ठीक है। हैविंग अ रिजेंबलेंस और अपीयरेंस, करेक्टर और क्वालिटी विदाउट बींग आइडेंटिकल। सिमिलर होता है एक जैसा, मिलता जुलता, ओके। सिमिलर अलाइक। फीचर, एफ ई ए टी यू आर ए, फीचर। फीचर मीन्स शेप, स्ट्रक्चर। फीचर शेप स्ट्रक्चर, जो शेप होती है या स्ट्रक्चर हो, हम फीचर्स कहते हैं। एफ ई ए टी यू आर ई, फीचर मीन्स शेप। एस एच ए पी ई, शेप। स्ट्रक्चर, एस टी आर यू सी टी यू आर ए, स्ट्रक्चर। इन अदर वर्ड वी कैन से डैट आर एसेंशियल क्वालिटी। ग्रो, जी आर ओ डब्ल्यू, ग्रो। टू बिकम बिगर, टू बिकम bigger, t o 2 to become, p e c o m e, become bigger, b i double g e r, bigger। grow क्या होता है? बड़ा होना, ठीक है, increase होना, become larger or greater over a period of time, increase in size, we can say that increase in size, amount, ठीक है। grow होता है बढ़ना। to become bigger, टू बिकम लार्जर एंड ग्रेटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वी कैन से डैट इंक्रीज इन अमाउंट, ठीक है, और साइज। सर्वाइव, एस यू आर वी आई वी ई, सर्वाइव। टू रिमेन अलाइव, सर्वाइव, एस यू आर वी आई वी ई, सर्वाइव। टू रिमेन अलाइव, टी ओ टू आर ई एम ए आई एन, रिमेन अलाइव, ए एल आई वी, अलाइव। सर्वाइव होता है ज़िंदा रहना, ठीक है। अब टू रिमेन अलाइव, अब इसमें क्या होता है, हम जैसे कहते हैं कि वी कैन से टू लीव, इन अदर वर्ड वी कैन से टू लीव और गेट थ्रू, कीप ऑन, और टू रिमेन अलाइव आफ्टर द डेथ ऑफ ही इज सर्वाइव बाय हिज वाइफ। मतलब अगर सर्वाइव क्या होता है, ज़िंदा रहना, टू रिमेन अलाइव, ए एल आर ई एम ए एन, रिमेन, ए एल आई वी ई, अलाइव। न्यूट्रिएंट्स, टू गिव एनर्जी एंड बिल्ड टिश्यू। न्यूट्रिएंट्स, एन यू टी आर आई ई एन टी एस, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? गजाई अज्जा, एन यू टी आर आई ई एन टी एस, न्यूट्रिएंट्स। टू गिव एनर्जी एंड बिल्ड टिश्यू, टी ओ टू गिव, जी आई वी ई गिव, एनर्जी, ई एन ई आर जी ओ एनर्जी, एंड बिल्ड टिश्यू। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? गिजाइए जिजा।
अब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, हम लोग को न्यूट्रिएंट्स किससे मिलते हैं, जो हम फूड खाते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब जो प्लांट्स होते हैं उनको सोया से मिलते हैं, ठीक है, जिसे हमें एनर्जी आती है। और जो टिश्यू है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, वो बनते हैं किस वजह से बनते हैं, न्यूट्रिएंट्स। अब जो न्यूट्रिएंट्स के होते हैं, एनीथिंग दैट नरिश आवर लिविंग बीइंग, ठीक है। वी ह्यूमन गेट अवर न्यूट्रिएंट्स बट वी ईट, एंड द इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द प्लांट द प्लांट्स गेट देयर फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट्स हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स सोइल से लेते हैं, जो ह्यूमंस हैं वो जो खाते हैं वो उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जब वो मिलते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है और टिश्यू बिल्ड होता है। सो दैट्स मीन न्यूट्रिएंट्स टू गिव एनर्जी एंड बिल्ड टिश्यू। दैट्स वाइज दिस वर्ड्स मीनिंग अगेन जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स एडल्ट अ फुली ग्रोन लॉगिन स्टार्ट सिमिलर अलाइक फीचर शेप स्ट्रक्चर ग्रो टू बिकम बिगर सर्वाइव टू रिमेन अलाइव न्यूट्रिएंट्स टू गिव एनर्जी एंड बिल्ड टिश्यू। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड लर्न एंड राइट दिस वर्ड्स मीनिंग एट होम। थैंक यू।